हेलो गाइस, आप लोग के लिए और एक नई वीडियो लाया हूँ जो कि अभी हम लोग ज़्यादातर मिरर के अंदर जो एलईडी लाइट लगी हुई आ रही है तो ज़्यादातर वो भी अच्छी लगती है, क्योंकि ज़्यादातर उसके अंदर एलईडी लगी हुई होती है जो कि अभी जो मिरर लाइट जो हम लोग लगा रहे हैं अभी, तो ये ज़्यादातर ये भी यूज़ हो रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर पहले होल्डर भी लगाते थे। ओके गाइस, तो उसके अंदर एलईडी बल्ब वगैरह कुछ भी लगाते थे, अभी ज़्यादातर ये भी यूज़ हो रहा है क्योंकि मिरर के ऊपर ज़्यादा फैंसी लाइट भी लगा रहे हैं अभी। ओके गाइस, और आप लोग को बता दो, अभी हम लोग ने लाइट का मार्किंग कर दिए, तो ये मार्किंग करने बाद अभी हम लोग ये जो पट्टी दिख रही है आप लोग को, बैक पट्टी है मेरा अपना लाइट की, तो इसकी अभी हम लोग जो होल दिख रहा है उसका भी हम लोग मार्किंग कर देंगे। ओके गाइस, और उसके बाद अभी हम लोग ड्रिल मशीन से होल भी करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड टाइल है, क्योंकि इसको ज़्यादा धीरे धीरे होल करना पड़ेगा क्योंकि टाइल भी टूट सकती है इसके लिए। ओके गाइस, अभी हम लोग जो ये ड्रिल मशीन है, अभी ये ड्रिल मशीन से हम लोग होल करेंगे जो कि ये टाइल बहुत ज़्यादा ही हार्ड होने की वजह से आराम से ही होल करना पड़ेगा क्योंकि टाइल भी टूट सकती है, और अभी हम लोग इसको होल आराम से ही करना है क्योंकि जब ये टाइल का काम फाइनल हो चुका है तो आराम से ही होल करना है, क्योंकि बाद में टाइल बहुत ज़्यादा बड़ी टाइल है इसके लिए हम लोग आराम से ही होल करेंगे इसको। ओके गाइस, और टाइल भी टूटना नहीं चाहिए और अपना काम भी हो जाएगा। ओके गाइस, और आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओके गाइस, अभी देखो ये दोनों भी होल हो चुके हैं और अभी हम लोग इसके अंदर ग्रिप भी लगाएंगे। ओके गाइस, और ये आप लोग को बता दो, ये पट्टी हम लोग और ये ग्रिप है, ये पट्टी को ये दोनों ग्रिप लगाकर दोनों को पट्टी फिट कर देंगे। ओके गाइस, और आप लोग को बता दो, सही से इसको ग्रिप अंदर फंसाना है दीवार के अंदर क्योंकि स्क्रू सही से फिट भी हो जाएगा। ओके गाइस, इसको सही से टाइट करना है, अच्छे से टाइट करना है क्योंकि लाइट हले ना। ओके गाइस, बाद में ये क्योंकि मूवेबल लाइट है इसके लिए, ओके गाइस, इसके लिए लाइट हलना नहीं चाहिए, इसको सही से अच्छे से फिट करना है, टाइट फिट करना है। अभी हम लोग इसको दोनों को जो पीछे बैक पट्टी है दोनों को फिट कर दिए, और आप लोग को बता दो ये जो लाइट आप लोग को बता रहा हूँ, ये जो लाइट है इसके साइड से हम लोग ने दोनों पट्टी को निकाल लिया है, दोनों दोनों साइड के जो बारीक बारीक स्क्रू जो लगे हैं उसको खोल के जो ये बैक पट्टी उसको निकाल लेना। ओके गाइस, और अभी हम लोग ने ये लाइट को वायर ज्वाइंट कर दिए और इसको सही तरीके से लाइट को एक जो बैक पट्टी है उसको सही सही तरीके से अंदर फिट करना है। ओके गाइस, बहुत अलग टाइप का ये मेरा लाइट है क्योंकि आप लोग को बता दूँ, ये देखो ये अच्छे से ऐसा फिट करना है इसको, ये देखो ला इसको थोड़ा सी कि ये ऊपर का उठाना है इसको और उसके अंदर जो बैक पट्टी लगी है उसके अंदर फिट करना है, सही तरीके से फिट करना है क्योंकि लाइट हले ना। ओके गाइस, अभी देखो ये जो टेस्टर से हम लोग इसको लाइट को थोड़ा सी कुचकाना है और जो बैक की पट्टी है उसके अंदर सही से फंसाना है क्योंकि लाइट थोड़ा सी अलग टाइप का लाइट है, और आप लोग को बता दो जो साइड के दोनों भी जो स्क्रू लगे हैं वो उसको खोल के, ये दोनों स्क्रू नहीं जो बैक के दोनों स्क्रू खोले हैं उसको दोनों को खोलना है और उसको सही से लाइट को जो बैक पट्टी उसके अंदर लगाना है। ओके गाइस, देखो दोनों तरफ से फिट थोड़ा बाकी है, इसको देखो थोड़ा सी लग गया है और इसको भी हम लोग ने जो बारीक स्क्रू थे उसको भी लगा दिया, और जो कवर साइड से हट के उसको भी लगा देना। ओके गाइस, और आप लोग को बता दो लाइट हमारा फाइनल हो चुका है, ये देखो अच्छे से टाइट हो चुका है। ओके गाइस, ये देखो मूवेबल लाइट है और 3-in-1 लाइट है, और आप लोग को बता दो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि आप लोग को ऐसी वीडियो जानकारी के लिए मिलती रहेंगी, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओके गाइस।